मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम भले ही 3 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन उसे लेकर अनुमान अभी से राजनीतिक पंडितों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बार संभावना बीजेपी की सरकार बनने के भी लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस के भी। यदि बीजेपी की सरकार इस बार फिर से आती है तो फिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उनकी मंत्रिपरिषद में किसे मंत्री बनाने का मौका मिलेगा, इसे लेकर संपर्क खबर ने कुछ राजनीतिक पंडितों से चर्चा की। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है तो फिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है, इसके चांस काफी ज्यादा हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय को मौका मिल सकता है और तीसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन उनके बेटे रामू तोमर के वीडियो के वायरल होने के बाद पार्टी में उनकी स्थिति थोड़ी बदली है। वहीं जब बात मंत्रिपरिषद की करें तो इस बार भी कई मंत्रियों के नाम रिपीट हो सकते हैं। सिंधिया समर्थक मंत्रियों की कैबिनेट में वापसी हो सकती है। कुछ नए चेहरे जैसे हुजूर सीट के प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा भी चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनाए जा सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित तमाम विधायकों को चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से मंत्री बनाया जा सकता है।